जो रंगीलियो राजस्थान में आज हम जाने वाले हैं अनस सागर। जी हाँ, रंगीलियो राजस्थान का जो सफ़र है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है और आज रंगीलियो राजस्थान में आपको दिखाएंगे अजमेर शरीफ से मात्र 6.3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद अनस सागर है। तो आपको अनस सागर घुमाएंगे, तो आज अजमेर शरीफ दरगाह से अनस सागर का ये पूरा सफ़र जो है हम पैदल तय करने वाले हैं। तो आपको अजमेर शरीफ से अनस सागर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। पैदल चलते हैं अनस सागर और वहाँ का जो पूरा व्यू है वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर सब दुकानें खाने पीने की मौजूद हैं, कपड़े की दुकानें देखिए आप, सब दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। हमें और यही रास्ता सीधा अजमेर स्टेशन की तरफ भी जाता है, जहाँ से सीधा हम अपने डेकोरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप भी बढ़िया हमारे साथ धीरे धीरे अनस सागर के लिए। तो धीरे धीरे हम अनस सागर की तरफ बढ़ रहे हैं, चलो। ये सीढ़ी चढ़कर अभी हमें ऊपर जाना है अनस सागर। देखिए ये सीढ़ी चढ़ के सीधा अभी हमें ऊपर जाना है, रास्ता है। पूरा पानी वो कासे में समा गया, समुंदर का पूरा पानी कासे में समा गया। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा ने अपने गुलाम को कहा कि हमें प्यास लगी है, पानी लेकर आइए। गुलाम ने कहा कि चारों तरफ पहरे लगे हुए, आका मैं पानी कैसे लेकर आऊँ। तब उन्होंने कहा कि कासा उठाइए और उस कासे को समुंदर को दिखाते हुए कहना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। फ्रेंड्स, समुंदर का पूरा पानी जो वो कासे में आ गया, तो चलिए वो समुंदर आपको दिखाते हैं, वो अनस सागर आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और चुन्य शरीफ का भी खिदमत गुजार हूँ गरीब नवाज के। ये गरीब नवाज के इबादत करने की जगह है, जहाँ आप इबादत करते थे वहाँ आराम फरमाते थे। यहाँ ही बैठ के आपके आपने अनस सागर का पानी तालाब से मंगाया था, यहीं से बैठ के इस्लाम फैलाया। यहाँ पे आपने 561 डिग्री में उन्होंने गरीब नवाज यहाँ पर तस्वीर पाए थे और यहाँ पर बहुत अच्छा आपने गुजारा। उसके बाद उस तरफ दरगाह की तरफ बात भी करें। ये जो गरीब नवाज का बिछाया हुआ मुसल्ला है वो कहाँ है, जरा हमारे जायरीनों को दिखाइए। गरीब नवाज का मुसल्ला ये कहलाता है यहाँ तो पर जी। मुसल्ला बिछा हुआ नहीं है। और ये पहाड़ कैसे रोए थे, उसका क्या किस्सा है? गरीब नवाज यहाँ से जा रहे थे जगह छोड़ के, तो ये पहाड़ रोए थे। यहीं हुजूर गरीब नवाज को वो निदा आई थी, जब पृथ्वीराज वो जो अपने जादूगर अपने दौर से बरसा रहा था, तो यहीं हुजूर गरीब नवाज को निदा आई थी कि मैं उस दिन चिश्ती का कयामत पर किसी तरीके से फूल बरस करें। आप जायरीनों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से जायरीन अभी भी उनको पता नहीं है, वहाँ पर गरीब नवाज के यहाँ चद्दर पेश करते हैं, लेकिन उनको चिल्ला कहाँ पर है उन्हें पता नहीं। तो चिल्ला कहाँ पर पड़ता है, जरा आपको बताइए। नहीं जानी होगी, ये जमाल घाटी में पड़ता है, ये अनस सागर के ऊपर। और ये हर दिन खुला रहता है?
हाँ जी रोजाना खुला है। कितने बजे से कितने बजे खुला होता है? शाम को मगरिब के बाद बंद होता है। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को? गरीब नवाज ने यही बैठ के इस्लाम दिलाया सबको, यहीं से जगह जगह लोगों को जो आपको मुरीदन थे आपने सबको भेजा हिंदुस्तान में इस्लाम दिलाने के लिए। तो हजरत जरा वो जरा आना सागर वाला जरा वाक्य जरा थोड़ा विस्तार में बताइए जरा। आना सागर का पानी जब लेने के लिए आपने वजू के लिए आपने खादिम को भेजा तो वहाँ पर जो सिपाहियों का पैरा लगा तो उन्होंने रोक दिया कि यहाँ से पानी लेना मना है। तो हजूर गरीब नवाज ने अपने खादिम से कहा कि जाओ पानी को भरो, गरीब नवाज बुला रहा है, तो सारा पानी समेट के आना सागर का आ गया और गया। फिर लोगों ने उस टाइम पर आपने माफ़ी मंगी हुई गरीब नवाज से, जो आपने कह जाओ अल्लाह को अपने से बचा रहे। बस बाबा का चिल्ला है और यहाँ की जो पूरी स्टोरी थी हमने आपको बताई कि कैसे आना सागर का जो पानी था वो कासे में आ गया और कैसे जो पूरा वाकिया था वो सब कैसे उससे वो पूरा वाकिया हुआ वो हमने आपको बताया। तो कुछ लोगों को नहीं पता है कि आना सागर का पानी जो है वो कैसे कासे में आ गया, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी आपको सामने से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है वो आपको दिखाते हैं, पूरा का पूरा आना सागर दिखाते हैं। यहाँ से सामने से पूरा पूरा आना सागर आप लोगों को दिखाते हैं। तो 1, 2 and 3 करता हूँ कि ऊपर से जो व्यू आया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए ऊपर से दरगाह शरीफ से हमने व्यू रिकॉर्ड किया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो व्यू है वो पसंद आया होगा। और अभी हमें आपको जो आना सागर है बिल्कुल सामने से दिखाते हैं, बिल्कुल सामने से आपको आना सागर दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरी जगह, यहाँ पर गाड़ी उड़ी सब आती है, गाड़ी से भी आप आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, पैदल का रास्ते पैदल भी आप आ सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, आउटस्टैंडिंग इंडिया, इनक्रेडिबल राजस्थान, क्योंकि ये है रंगीलो राजस्थान। तो चलिए इस रंगीलो राजस्थान में ढलता सूरज आपको दिखाते हैं और बिल्कुल ढलने वाला दिखे। इनक्रेडिबल राजस्थान से ये ढलती शाम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रुक गया ना एक मिनट भाई। राजस्थान रंगीलो राजस्थान का आना सागर देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम मैंने आप लोगों को ढलता सूरज दिखाया और ये है आना सागर की शाम, बहुत ही खूबसूरत है ये शाम आना सागर की, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये आना सागर की शाम बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड रंगीलो राजस्थान का ये आना सागर की कभी आप लोगों को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हम जल्दी मिलेंगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में। अभी रंगीलो राजस्थान में थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करूँगा,
फिर अभी दो तीन दिन बाद मैं ट्रैवलिंग, दो तीन दिन बाद मैं मुंबई के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि छः दिन ही मुझे रंगीलो राजस्थान में बिताने थे और वो छः दिन में से आज पांचवा दिन है, सॉरी आज छः दिन में से आज पांचवा दिन है और कल की रात को मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जितना हो सका उतना मैंने रंगीलो राजस्थान आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया। बस ये रंगीलो राजस्थान आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो इसी खूबसूरत शाम के साथ एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।